नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखेंगे कुछ इंद्रधनुष के बारे में फैक्ट्स। जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पर जाते हैं, मगर आपको पता है दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था? शराब पीने के नुकसान तो हर कोई बता देगा, लेकिन शराब पीने का एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है जो कोई नहीं बताएगा। और जानेंगे भारत का एक ऐसा पेड़ जो पूरे जंगल के बराबर है, पर ये पेड़ है कहाँ पर, और एक ऐसी जेल जिसका जीवन नर्क से भी बदतर है। तो चलिए आगे हम आपको ऐसे ही 20 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपने अक्सर दिन में बारिश के बाद इंद्रधनुष यानी रेनबो को बनते देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रात में भी इंद्रधनुष बनते देखा है, तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा ना। लेकिन हम आपको बता दें कि दिन की तरह रात में भी इंद्रधनुष को बनते देखा जा सकता है। दरअसल जब रात में बारिश हो रही होती है और उस दौरान चांद भी निकला हुआ होता है, तो तब उस वक्त चांद की रोशनी बारिश की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर इंद्रधनुष बनाती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। रात में निकलने वाले इंद्रधनुष को रेनबो की जगह मून बो कहा जाता है। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जो कि एक वॉलमार्ट शॉपिंग मॉल के एवरेज साइज से भी बड़ा है? कोलकाता में स्थित ये एक बरगद का पेड़ है जो कि 150,000 वर्ग फुट से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल पेड़ का आकार कई जंगलों जितना बड़ा है, और यही वजह है कि इसे द ग्रेट बैनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूल रूप से इस एक पेड़ में 3500 से अधिक एरियल क्रॉप रूट्स हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16, आज के समय में गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची था, जिसे वर्ष 1990 में एलन एमटेज नाम के एक कैनेडियन स्टूडेंट ने डेवलप किया था। एलन एमटेज जब कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने इसे डेवलप किया था। याहू एंड गूगल सर्च इंजन के आ जाने के बाद लेट 90s में आर्ची सर्च इंजन बंद हो गया, हालांकि हिस्टोरिक पर्पस से आर्ची सर्वर को आज भी मेंटेन किया जा रहा है। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि हम जितना अधिक शराब का सेवन करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को उतना ही अधिक अट्रैक्टिव फील करते हैं, खासतौर पर तब जब हमारा सामने वाले व्यक्ति पर क्रश हो। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि शराब आमतौर पर अन्य लोगों के चेहरे और शरीर में खामियों को देखने की हमारी कैपेबिलिटी को कम कर देती है, जिस वजह से हमें सामने वाला इंसान और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपको शराब के नशे में खूबसूरत कहे, तो उसकी बातों पर यकीन करने से पहले एक बार आईना जरूर देख लेना। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं, तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 14, रिकॉर्ड बनाना सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं जानते हैं, बल्कि कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के एक ऐसे आँखों के डॉक्टर की, जिन्होंने आँखों का ऑपरेशन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। दरअसल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी के डायरेक्टर और प्रयागराज में MLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह ने 16.5 घंटे में 107 आँखों के ऑपरेशन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये सभी सर्जरी बिल्कुल फ्री में 25 फरवरी को लगातार 16.5 घंटे तक सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे के बीच की गई। आपको बता दें कि एक सप्ताह की देखरेख के बाद अब सभी मरीज ठीक हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां बच्चे पैदा होने पर सरकार की ओर से सभी माताओं को इनाम दिया जाता है? दरअसल फिनलैंड की सरकार 1930 के दशक से सभी बच्चों के जन्म पर परिवार को बेबी बॉक्स स्टार्टर किट देती आ रही है। इस देश में बच्चे के जन्म लेते ही उसे एक बॉक्स दिया जाता है, जिसमें नवजात बच्चों के कपड़े, कंबल, खिलौने और बिस्तर सहित बच्चों के लिए जरूरी 60 चीजें होती हैं। सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इस गिफ्ट का मकसद यही है कि इस देश में जन्म लेने वाला बच्चा चाहे कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से क्यों न हो, सबकी जिंदगी की शुरुआत अच्छी और एक जैसी ही होनी चाहिए। नंबर 12, दोस्तों आप 100 साल की उम्र पार कर चुके कितने लोगों को जानते हैं? बहुत सोचने पर भी इक्का दुक्का नाम ही याद आ रहे होंगे, है ना? ज्यादा आएंगे भी नहीं, क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाले भारत में ऐसे लोगों की संख्या महज 27,000 है, लेकिन शतायु लोगों के मामले में जापान दुनिया में नंबर 1 है। जापान की वेलफेयर मिनिस्ट्री ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक जापान में 100 की उम्र पार कर चुके लोगों की संख्या 86,000 पार कर गई है, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें 88% महिलाएं हैं। वैसे महिलाओं की लंबी उम्र का राज क्या है? नंबर 11, रूस यूक्रेन युद्ध में कई हजार भारतीय स्टूडेंट्स के फंसने से देश भर में हलचल मची हुई थी। इनमें से कई स्टूडेंट्स पोलैंड के बॉर्डर पर भी पहुंचे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। पोलैंड के एम्बेसडर एडम बुरोस्की ने उस समय कहा था कि भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम कराया जाएगा, ताकि ये छात्र सुरक्षित तरीके से अपने वतन पहुंच सके। पोलैंड सरकार की इस मदद के चलते सोशल मीडिया पर कई भारतीय यूजर्स पोलैंड प्रशासन की तारीफ करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज पोलैंड जो काम भारत के लिए कर रहा है, वही काम कई दशक पहले एक भारतीय राजकुमार पोलैंड के लिए भी कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान राजकुमार रंजीत सिंह ने हजारों पोलिश बच्चों और महिलाओं को अपने यहाँ शरण दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत सूखे की मार से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद रंजीत सिंह ने पोलैंड के लोगों की मदद की थी, और यही वजह है कि आज 80 साल बाद
हॉलैंड ने उस एहसान को लौटाया है। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अबू धाबी के एक बिलियनियर के पास प्योर व्हाइट गोल्ड से बनी मर्सिडीज V10 क्वेड टर्बो स्पोर्ट्स कार है। इस सॉलिड गोल्ड कार 1600 हॉर्स पावर और 2800 Nm टॉर्क के साथ एक न्यूली डेवलप्ड V10 क्वेड टर्बो इंजन से लैस है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसे 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक जाने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार बायोफ्यूल पर चलती है। नंबर 9, दोस्तों अब मिलिए केरल की 17 वर्षीय आकांक्षा पुरानिक से। जिस उम्र में बच्चे इधर उधर घूमा करते हैं उस उम्र में आकांक्षा ने म्यूजिक, डांस और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सहित 60 से ज्यादा स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। आकांक्षा हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार बजा सकती है और इसके अलावा आकांक्षा को 5 भाषाएं बोलने में भी महारत हासिल है। इस उम्र में इतनी प्रतिभा असाधारण है। नंबर 8, रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और इंडियन रेलवेज मिलकर दिन रात नई नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। देश में होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेल ने अभी हाल ही में कवच नाम की एक नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया है जिसकी मदद से रेल हादसों पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में कवच का ट्रायल भी किया गया। ट्रायल के दौरान 2 इंजन सामने आए। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO VK त्रिपाठी उस इंजन पर सवार थे जो गुलागुड़ा से चिटगिद्दा जा रही थी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जब एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आमने सामने आ जाए तो फिर दोनों ही ट्रेन अपनी जगह पर रुक जाएंगी और हादसा टल जाएगा। नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कूड़े के ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है जितनी हमारे देश में ज्यादातर डॉक्टरों और IIT इंजीनियरों को भी नहीं मिल पाती। लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार इस देश में कूड़े के ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों की सैलरी $40,000 यानी लगभग 29 लाख रुपए प्रति महीने है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोगों की सालाना सैलरी भी इतनी नहीं होती जितनी अमेरिका में कूड़े के ट्रक चलाने वाले की 1 महीने की सैलरी होती है। तो फिर क्या इरादा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर ड्राइविंग करने चले? नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टेक्सास में नेमलेस नाम का एक शहर है? जी हाँ, इस शहर को ये नाम साल 1880 में वहाँ के निवासियों द्वारा डाकघर प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करने के बाद मिला। दरअसल गांव वालों को कहा गया कि उन्हें डाकघर प्राप्त करने के लिए एक आधिकारिक नाम के साथ आना होगा, जिसके बाद गांव वालों ने 6 नाम जमा किए, लेकिन उन सभी 6 नामों को खारिज कर दिया गया, जिस पर नागरिकों ने गुस्से में ये कहते हुए जवाब दिया कि डाकघर को नेमलेस रहने दो। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और नेमलेस शहर का जन्म हुआ। नंबर 5, दोस्तों जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक को तो आप जानते ही होंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्स प्लांक को उनके प्रोफेसर ने फिजिक्स में न जाने के लिए कहा था और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि लगभग सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। इस पर प्लांक ने कहा कि वो कुछ भी खोजना नहीं चाहते, बस फंडामेंटल्स चीजों को सीखना चाहते हैं। और दोस्तों उनके सीखने की क्षमता ही थी जो उन्होंने क्वांटम थ्योरी की शुरुआत की और नोबेल प्राइज जीता। नंबर 4, किसी भी देश का कानून मुजरिम को सजा देने के लिए या तो उसे मृत्यु दंड देता है या फिर कारावास की सजा सुनाता है। वैसे तो हर जेल बेहद ही दर्दनाक होती है, मगर आज हम आपको ब्लैक डॉल्फिन जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। दक्षिणी रूस के ओरेनबर्ग शहर में स्थित इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन है। रूस और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित इस जेल के बाहरी हिस्से में डॉल्फिन की एक मूर्ति भी है जिसे जेल में रह रहे कैदियों ने ही बनाया था। इस जेल में बेहद ही सख्त तरीके से निगरानी रखी जाती है जिसकी वजह से आज तक कोई भी कैदी इस जेल से फरार नहीं हो पाया है। इस जेल में करीब 700 कैदी हैं जिन्होंने कुल 3500 हत्याएं की हैं। जेल के कमरे की बात अगर करें तो इस 50 स्क्वायर फुट के सेल में 2 कैदी रहते हैं जिन्हें आराम करने यानी बैठने की इजाजत नहीं होती है। जब तक सोने का समय नहीं आता तब तक ये खड़े होकर अपना पूरा दिन बिताते हैं। इस जेल में कैमरे की सहायता से कैदियों पर नजर रखी जाती है। हर सेल का रास्ता स्टील के 3 मजबूत दरवाजों से होकर जाता है जिसमें मौजूद छोटी सी खिड़कियों से कैदियों को खाना दिया जाता है। इन कैदियों को बाहर निकाला नहीं जाता और अगर किसी कारण निकाला भी जाए तो आंखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ी और कमर से झुककर इन्हें ले जाया जाता है। इन्हें सीधे होकर चलने की भी इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर कैदियों को अंदाजा नहीं लग पाता कि जेल की बनावट कैसी है या फिर यहाँ कौन सी चीजें हैं। आपको बता दें कि इस जेल में केवल आजीवन कारावास प्राप्त मुजरिमों को रखा जाता है जिनके लिए ये जगह किसी नरक से कम नहीं है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ऑन एवरेज एक पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर की बातों को कितनी देर तक फोकस के साथ सुन सकता है? अगर आप नहीं बता सकते तो चलिए हम बताते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक पुरुष मैक्सिमम 6 मिनट तक ही अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड की बातों पर फोकस कर पाता है, यानी कि उसकी बातों को केवल 6 मिनट ही ध्यान से सुनता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी पुरुष को अपने दोस्त की बात सुननी पड़ जाए तो फिर वो 15 मिनट तक उसकी बातों पर फोकस कर सकता है। नंबर 2, दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके पीछे की कहानी जानकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। इस तस्वीर को एक यूक्रेनियन सोल्जर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल वो यूक्रेनियन शख्स जब युद्ध की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान वो अपने बेटे को देखता है जो कि उसकी वर्दी पर आराम कर रहा था। इस भावुक कर देने वाले पल को उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि गुड बाय माय लिटिल बॉय।
आई होप टू सी यू द अदर टाइम आई सर्वाइव। दोस्तों हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर इन सभी को सुरक्षित रखे। नंबर वन, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से भारत को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस युद्ध की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। पिछले दिनों भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 77 रुपए के स्तर पर जा गिरा। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।